चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं और इसी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो मार्केटिंग एनालिटिक्स अपना सब्जेक्ट चल रहा है, रिवीजन की क्लास चल रही है और हम पहुंच चुके हैं, जी हां हम पहुंच चुके हैं फिफ्थ यूनिट में। फिफ्थ यूनिट के अंदर, इसके अंदर हम रिटेल की बात करने वाले, एडवर्टीजमेंट पॉलिसीज की बात करने वाले हैं कि एडवर्टीजमेंट कैसे किया जाता है, कुछ कर्व भी देखने वाले हैं, डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। फोर्थ वीडियो मैंने ऑलरेडी 4 डिफरेंट यूनिट के बना चुका हूं, एमबीए बीबीए बीकॉम और यूजीसी नेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एडवर्टीजमेंट के बारे में किसी को जानना हो, पॉलिसीज के बारे में जानना हो, कौन कौन से इफेक्ट है, कैसे सेगमेंट किया जाता है, कौन से कर्व होते हैं, ये सारी बातें आज अपन डिटेल में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सीखने वाले हैं। तो बिना कोई वक्त गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, एक जरूरी बात, वीडियो जैसा भी लगे, अच्छा लगे खराब लगे, एक बार कमेंट तो जरूर कर दीजिए कि मुझे भी लगे कि मेरा जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है तो मैं इंप्रूवमेंट की चांस रहेंगे हमेशा और मैं कोशिश करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप हमेशा एक बार कमेंट कर दें, लाइक डिसलाइक करें ना करें कोई दिक्कत नहीं, एक कमेंट कर दें कि सर समझ में आया कि नहीं आया, केवल इतनी सी रिक्वेस्ट है। चलिए फिफ्थ यूनिट शुरुआत करते हैं। एकेटीयू के एग्जाम आने वाले हैं, उनके लिए थोड़ा सा स्पेशल सेशन है अपना। नेक्स्ट चलते हैं, पहला पॉइंट है इसके अंदर रिटेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट एनालिसिस। अब ये रिटेलिंग और एडवर्टीजमेंट एनालिसिस क्या है, सबसे पहले रिटेलिंग एनालिसिस की बात करते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर 4 पॉइंट है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और प्रमोशन। कौन कौन से पॉइंट है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन। तो 4 पी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करे जाते हैं जब हम रिटेल एनालिसिस की बात करते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, हम किस प्राइस पे बेचने जा रहे हैं, हमारी कौन सी प्रमोशनल टेक्निक है और किस जगह बेचने जा रहे हैं। तो इस चारों को कंपोजिट वे में जब एनालिसिस किया जाता है, थोड़े आगे 2-3 पी और भी जुड़ जाएंगे जब अपन चेक करेंगे आगे, तो उसको और ब्रॉडर वे में कुछ और कह देंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स एनालिसिस को ही रिटेल एनालिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट एनालिसिस। यहाँ पर देखिए अमूल के हमेशा जो एड आते हैं बिल्कुल एकदम करंट अफेयर्स के ऊपर आधारित होते हैं। यहाँ पर अमूल बिकम वैक्सीनेशन, तो यहाँ पर जब हमारा वैक्सीनेशन हुआ था और सभी लोगों ने अधिकतर में 2 डोज लगा लिए हैं और आपने भी लगवा लिया होगा, सभी कोविड से सुरक्षित माने गए हैं उसके अंदर। लेकिन जब वैक्सीनेशन हुआ था और हमने काफी एक इतिहास रच दिया था, जिसमें नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक इतिहास रच दिया था कि करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चला के, और हमने बहुत से देशों को भी सप्लाई करा, उस पे इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट बनाया। ये क्यों बनाया, ये एक पिच करा गया। अमूल तो है, अलग प्रोडक्ट बेचता है, दूध पनीर दही ये सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो बट यहाँ पर इस वैक्सीनेशन का मतलब क्या है, एडवर्टीजमेंट एनालिसिस का मतलब क्या है, दे सेल्स इमोशंस। अब आप ऐसी बात मानिए कि यदि कोई सीसीटीवी बेच रहा है, कौन सा प्रोडक्ट, यहां पर मैं प्रोडक्ट देखते हैं अपन सीसीटीवी, कोई सीसीटीवी प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो आपको लगता है कि वो सीसीटीवी बेच रहा है, लेकिन वो सीसीटीवी नहीं बेच रहा होता, वो क्या बेच रहा होता है, कोई गेस, एनी आइडिया। अब आपको लगेगा सर सीसीटीवी बेच रहा है तो सीसीटीवी बेच रहा होगा, नहीं मेरे दोस्तों, वो बेचता है इमोशन, वो बेचता है सिक्योरिटी। मैं मेरे घर में सीसीटीवी लगाता हूं कि मैं देख सकूं कि मेरा माता पिता सुरक्षित हैं, मेरा घर सिक्योर्ड है, मैं कहीं भी जाऊं उसको वॉच कर सकूं। मैंने एक प्रोडक्ट बाय नहीं करा, बाकी उसने मेरे पीछे का कंसर्न बाय करा है, मैंने उसने पीछे का जो विलिंगनेस है वो बाय करी है। तो जो सीसीटीवी कंपनी वाली है, कंपनी है वो अगर मेरे को सीसीटीवी प्रोडक्ट के फीचर्स बेचेगी तो वो बेच नहीं पाएगी, लेकिन वो मेरे को इसकी इंपॉर्टेंस बताएगी कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए लेना क्यों जरूरी है, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इसका कंसर्न है, मैं मेरे पेरेंट्स का कैसे ध्यान रख सकते हैं, अपने घर को कैसे मोर सिक्योर कर सकते हैं। तो दैट इज इमोशन। तो अधिकतर कंपनियां क्या सेल करती हैं, इमोशन, और हमें लगता है कि हम प्रोडक्ट सेल करें। कैडबरी कभी भी वो ये नहीं बोलते कि उनके जो चॉकलेट है कि वो टेस्ट में काफी अच्छा है, कि ये चीज अच्छा है, कुछ मीठा हो जाए कि हम, हमारे जो मिठाइयों से भरपूर हमारा देश है, इतने तरीके की मिठाइयां हैं, फिर भी दिवाली पे चॉकलेट देना पसंद करते हैं एक दूसरे को, भैया क्यों, भैया मिठाई दीजिए, रसगुल्ला कभी भी, रसगुल्ला गुलाब जामुन कभी भी चॉकलेट से कभी भी कम नहीं था, ना कभी कम होगा। रसगुल्ले का टेस्ट आज भी चॉकलेट से काफी अच्छा है मेरी नजर में, खैर आपकी नजर में हो ना हो। तो उन्होंने क्या सेल करा, उन्होंने इमोशन सेल करा। वो ये नहीं बेच रहे कि उनके चॉकलेट की टेस्ट क्वालिटी क्या है, उन्होंने ये बेचा कि हम वो क्यों खरीदें, कुछ मीठा हो जाए,
एक ब्रेक तो बनता है, कुछ ना करके देखिए, तो उनके सारे की सारी एम्फेसिस किसके ऊपर है, इमोशन सेल करने के ऊपर है, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट एनालिसिस। अब एडवर्टाइजमेंट एनालिसिस के अंदर हम ये सारे पॉइंट चेक करते हैं कि वो जो हमने एडवर्टाइजमेंट करा था वो कितने मास पीपल को टारगेट करा था, उसमें से कितने मास पीपल उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए पहुंचे यानी कस्टमर बने, और कितनों ने वो बाय करा, और इसी बायर में से कितने लोग कंज्यूमर बने, और कितने फिर इस मास पॉपुलेशन में फिर से रिपीट हुए या फ्रीक्वेंट कस्टमर बने, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस करा था कि कस्टमर की क्या वैल्यू है, कस्टमर की क्या पोजिशनिंग है, वो सारी चीजें एडवर्टाइजमेंट एनालिसिस के अंदर करी जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। रिटेल एनालिसिस का मतलब कि प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, प्रोडक्ट मिक्स का एनालिसिस करना रिटेल एनालिसिस है, और एडवर्टाइजमेंट एनालिसिस का उसका कितना इंपैक्ट रहा, कितने उसकी सेल्स ग्रोथ हुई, क्या हुआ, ये सारी चीजें उसमें पता लगाना रिटेल एनालिसिस है। आई होप क्लियर है। तो बिना कोई वक्त गवाए अगले पॉइंट पर चलते हैं अपन। हाँ, मार्केट बास्केट एनालिसिस। अब ये मार्केट बास्केट एनालिसिस, बच्चे टीचर अलग ही चल रहे हैं धुन में, बुकें अलग ही धुन में चल रही है, बास्केट बास्केट है यार, इसमें बास्केट को कोई अलग डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। कि बास्केट एनालिसिस क्या है, बास्केट एनालिसिस का मतलब जो कस्टमर है उसके पास जो बास्केट है उसके अंदर वो कौन कौन से प्रोडक्ट रख रहा है। मार्केट बास्केट एनालिसिस का मतलब कंप्यूटिंग है टू वे लिफ्ट। अभी टू वे लिफ्ट, वन वे लिफ्ट, थ्री वे लिफ्ट क्या है, जल्दी समझ लेते हैं। पहले क्या थ्योरी मैंने लिख रखी है वो आपको बता देता हूं, इसके बाद सिंपल वे में इसको बता देता हूं। मार्केट बास्केट एनालिसिस इज अ डाटा माइनिंग टेक्निक यूज्ड बाय रिटेलर इंक्रीजिंग बाय सेल्स बाय बेटर अंडरस्टैंडिंग कस्टमर परचेसिंग पैटर्न। और लिफ्ट का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ द रूल ऑफ कंसर्निंग, ठीक है। और रूल सपोर्ट कॉन्फिडेंस टू मेजर का मतलब कि कौन कौन सी चीजें आ रहा है, रिप्रेजेंटेटिव रिफ्लेक्ट ऑफ यूजफुलनेस और सर्टेनिटी ऑफ डिस्कवर्ड। अब ये वाली बात आपको थोड़ा सा और डिटेल में मैं बता देता हूं क्या है इसका। पहले तो मार्केट बास्केट एनालिसिस का मतलब अपन देख लेते हैं। मार्केट बास्केट एनालिसिस का मतलब है कि जो कस्टमर है वो अपने जो बास्केट है, मतलब बास्केट का मतलब जो कार्ट है, जो कार्ट का मतलब कि वो कौन से प्रोडक्ट बाय कर रहा है, वो कौन से प्रोडक्ट बाय कर रहा है, वो उसका एनालिसिस करना। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो एक कार्ट, उसके अंदर एक लोगो बना हुआ रहता है। मॉल में जाते हैं तो एक ट्रॉली पकड़ा देते हैं, तो उस ट्रॉली के अंदर आप कौन कौन से प्रोडक्ट रख रहे हैं, उस डाटा का एनालिसिस करना, उस डाटा की माइनिंग करना, यही कहलाता है मार्केट बास्केट एनालिसिस। बताओ मुश्किल है क्या? मार्केट बास्केट एनालिसिस जो कार्ट है, जो प्रोडक्ट का परचेसिंग बिहेवियर है, उसको एनालिसिस करना, डाटा माइनिंग एनालिसिस, और वही मार्केट बास्केट एनालिसिस कहलाता है। और बास्केट का मतलब यहाँ बास्केट में से ही है कि प्रोडक्ट कौन कौन सी चीजें वो अपने साथ कैरी करके रखता है, तो वो ही डाटा माइनिंग है। डाटा माइनिंग मतलब कि कितने बार उसने खरीदा, कौन सी कंपनी का खरीदा, क्यों खरीदा, किसके लिए खरीदा, कितनी बार वो परचेस कर रहा है, कितना फ्रीक्वेंटली वो उसको परचेस कर रहा है, कोई ज्यादा बार तो मतलब एक शर्ट खरीद रहा है, पांच शर्ट खरीद रहा है, कौन सी कंपनी की खरीद रहा है, ठीक है, फिलिप कॉटलर की खरीद रहा है, रेमंड की खरीद रहा है, किस एज ग्रुप का है, किस इनकम ग्रुप का है, ये सारी चीजें क्रमबद्ध में रखना और इसका यूजफुल एनालिसिस करना है, डाटा माइनिंग कहलाती है, ठीक है। अब वो डाटा माइनिंग कर ली, अब टू वे और थ्री वे लिफ्ट क्या है, पहले तो लिफ्ट क्या है, लिफ्ट का मतलब कि वो कोई प्रोडक्ट उठाएगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। मॉल के अंदर जाते हैं, 25 प्रोडक्ट रखे हुए होते हैं, मैं कौन सा प्रोडक्ट उठा के भी उसकी प्राइस देखना पसंद करूंगा और फिर उसको अपनी कार्ट के अंदर रखूंगा या जो बकेट दिया है उसके अंदर रखूंगा, दैट इज लिफ्ट। समझ टू वे लिफ्ट, थ्री वे लिफ्ट क्या है, टू वे लिफ्ट का अंदर इसके अंदर एक छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है, रूल सपोर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस टू मेजर्स ऑफ रूल, यानी कि हम ये मेजर कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट उसने उठाया, प्रोडक्ट एक्स उसने लिया, ये कितनी बार वो लिफ्ट करा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है कि ये इसको बाय करेगा ही कि नहीं करेगा, और करेगा तो भी कितनी बार, फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, कितनी बार वो प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड वो बाय करता है, दैट इज टू वे लिफ्ट।
थ्री वे लिफ्ट भी है इसमें, तीन मेजर्स का ध्यान रख लिया, उसके कॉन्फिडेंस का भी ध्यान रख लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी का भी ध्यान रख लिया, उसके परचेसिंग पावर। फोर वे लिफ्ट वो खरीद के पहुंच रहा है, वापस कितनी बार आ रहा है। तो इसमें पॉइंट्स जैसे मल्टीपल रिग्रेशन में पॉइंट बताए जाते हैं, ऐसे लिफ्ट में अपन पॉइंट्स बढ़ाते जाते हैं। टू वे और थ्री वे ये है आपके कोर्स में। तो टू वे याद रख लेना कि कॉन्फिडेंस लेवल उसका चेक किया जाता है और फ्रीक्वेंसी चेक करी जाती है, दैट इज टू वे एनालिसिस। ठीक है, लिफ्ट समझ गए आप, ये समझ गए। अब मार्केट बास्केट एनालिसिस का इंपॉर्टेंस क्या है? मार्केट बास्केट एनालिसिस करने से हमें ये पता चलता है कि हमको कौन सी चीजें वो खरीदता है, कौन सी चीजें नहीं खरीदता। अब इसके अंदर अपन लेआउट के अंदर चेक करेंगे कि आपको मॉल वाले कैसे बेवकूफ बनाते हैं, कैसे क्या आगे काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरएफएम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। यहां पर रेसेंसी, यहां पर है मॉनेटरी और यहां पर है फ्रीक्वेंसी। रेसेंसी यानी कि कितनी देर वो आपकी दुकान के ऊपर बिता रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रेसेंसी। कितनी देर वो आपकी दुकान के ऊपर बिताता है, कितनी बार वो आपकी दुकान पे आता है, कितनी रेसेंसी। द फ्रेशनेस, द कस्टमर एक्टिविटी टू परचेज विजिट, यानी कि आप कितनी देर वो आपके मॉल के अंदर, ये वैसे बेसिकली मॉल का कॉन्सेप्ट है, किराने की दुकान पे तो अपन जाते हैं पर्ची देते हैं वो दे देता है, मॉल के ऊपर जाते हैं तो कितनी देर अपन वहां पर विजिट कर रहा है, वो उसकी एक्टिविटी नोटिस की जाती है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कस्टमर, वो कितनी बार आपके मॉल के ऊपर आ रहा है, कितनी बार फ्रीक्वेंटली आ रहा है, कौन सी चीजें खरीदता है नहीं खरीदता वो डिफरेंट पार्ट है, बट कितने टाइम के अंदर वो आ रहा है, वो एक महीने के अंदर आ रहा है, 15 दिन में आ रहा है, 20 दिन में आ रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी। देन मॉनेटरी, दोनों जगह तो भाई साहब लड़कियों का फोटो लगा दिया, इस जगह लड़के का फोटो लगा दिया, क्योंकि मॉनेटरी का मन यहाँ पर बताया गया लड़कों से। खैर आजकल की लड़कियां लड़कों से कम नहीं, अपना खर्चा वो खुद ही उठा लेती है, लेकिन यहाँ पर मॉनेटरी का संबंध सीधे सीधे लड़कों से बताया गया है कि वो कितना स्पेंड कर रहा है। सबसे पहले बात तो वो कितनी देर में आ रहा है, कितनी देर आपके यहाँ पे विजिट कर रहा है, सेकंड कितने टाइम पीरियड बाद आ रहा है, और थर्ड कितना खर्चा कर रहा है। इसी को आरएफएम एनालिसिस और इसी को कस्टमर का आरएफएम एनालिसिस कहा गया है। बहुत ही सिंपल है, कितनी देर वो रुक रहा है आपकी शॉप के ऊपर, कितने टाइम में वो विजिट कर रहा है और कितना खर्चा वो कर रहा है, केवल यही तीन चीजों का ध्यान रखा जाता है, इसको आरएफएम एनालिसिस बोलते हैं। कोई मुश्किल नहीं है ये। अलोकेशन रिटेल स्पेस, अलोकेशन यानी कि आपकी जो रिटेल स्पेस है, आपकी जो दुकान है, आपका जो मॉल है, वो किस तरीके का बनेगा, वो किस तरीके का बनेगा कि आप जैसे ही बंदा यहाँ से एंटर होगा सबसे पहले क्या दिखता है, कॉस्मेटिक। आप किसी भी शॉप पे जाएंगे, कहीं भी मॉल के अंदर जाएंगे, सबसे पहले वहां पे डीओ लगे हुए होते हैं, कुछ फ्रीक्वेंट आइटम रखे होते हैं, ज्वेलरी के आइटम लगे हुए होते हैं। क्यों लगे हुए होते हैं? क्योंकि दे आर ओनली फॉर अट्रैक्टिंग। और बाहर शोरूम के लिए, अगर बाहर से कोई देखता है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिखते हैं उसको, कि बड़े बड़े टीवी लगी हुई है बाहर, भले अंदर सब कुछ मिल रहा हो, किराने का सामान भी मिल रहा हो, लेकिन बाहर क्या लगाते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए? इलेक्ट्रॉनिक आइटम। इलेक्ट्रॉनिक आइटम कि वो कौन सी चीज है? शोबाजी के लिए। ठीक है, वो जैसे ही दुकान के अंदर आया, कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक के बाद इधर फुटवेयर आ गया, क्लोथ्स आ गई, और एंड में एसेसरीज, ज्वेलरी, और इसमें अगर एक और एंड में हमेशा आपका किराने का सामान होता है। कौन सा किराने का सामान? जो जनरल स्टोर होता है, आटा, दाल, शक्कर, ये सब बाद में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर की वो नीड है, वो उसको परचेस करने जाएगा, और बीच के अंदर अगर ये आपका सिंगल लेवल पे है तो बीच में अगर क्लोथ है, फुटवेयर है, तो वो भी खरीद लेगा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो अलोकेशन ऑफ द स्पेस का मतलब क्या है? अलोकेशन ऑफ द स्पेस, ये कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, कस्टमर के माइंडसेट के अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती है। छोटे बच्चों के लिए चॉकलेट्स हमेशा नीचे के स्टोर पर रखी जाती है, चॉकलेट्स अपर स्टोर पर नहीं रखी जाती। क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो चॉकलेट्स नीचे से उठा सकते हैं, वो बड़े ऊपर से नहीं उठाएंगे। अगर चॉकलेट सारी थर्ड रैक के अंदर आपने रख दी तो कभी भी वो चॉकलेट बिकने वाली नहीं है। तो दैट इज द की पॉइंट, दैट इज अलोकेशन। ये हम प्रैक्टिकल नॉलेज जब हम जाते हैं दुकान में कभी भी ये बात नोटिस नहीं करते। क्या आप डीमार्ट में जाएंगे, विशाल मेगा मार्ट में जाएंगे, बिग बाजार में जाएंगे, वो आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं। आप वो चीजें तो खरीद के लाते हैं जो आपको खरीदनी, पर वो 10 चीजें और खरीद के लाते हैं जो आपको नहीं खरीदनी थी, जो आप नॉट प्लान, पर वो आपको दिखी, कॉस्मेटिक आपको दिखा, आपको लगाया डीओ तो ले ही लेना चाहिए। आपको बच्चे ने, बच्चे के हाथ में चॉकलेट आ गया, वो बच्चे को कौन मना कर रहा है, उसने तो एक फाड़ के वहां पे खा भी ली, तो अपन तो रेपर से बिल बनवाने गए। तो दैट इज द थिंग। इलेक्ट्रॉनिक आइटम एकदम लैविश दिखती है कि हाँ इसके पास बहुत सारे अच्छे गुड, बाहर ही आटा दाल शक्कर लगा दोगे तो अपन घुसेगा ही नहीं कोई दुकान में, कहेगा किराने की दुकान है, हटो, मॉल नहीं है। वहां पर जो चीजें हैं वो पीछे रखी गई ताकि उनको लेने के लिए आप फुटवेयर, क्लोथ, जो आपकी नेसेसिटी है, जो आपको फ्रीक्वेंटली परचेस नहीं करते हैं, सीजनल परचेस करते हैं, उनको भी आप परचेस करते हुए चलेंगे। तो रिटेल एलोकेटिंग स्पेस का मतलब कि इस तरीके से डिजाइन किया जाए जो हमारी मैक्सिमम सेल्स को बढ़ा सके। आगे बढ़ते हैं। सेल्स रिकॉर्ड रिसोर्सेज, आइडेंटिफाई द सेल्स टू द मार्केट एफर्ट्स एंड द रिलेशनशिप इट्स मॉडलिंग। अब यहां पर
प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन तो था ही, पीपल प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस भी इंक्लूड कर दिया है। अब ये क्या है चलिए एक बार इसको और देख लेते हैं। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन तो इसके अंदर था ही, फिजिकल एविडेंस, फिजिकल प्रमोशन और प्रोसेस। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन ये अपन ऑलरेडी चेकआउट कर चुके हैं जब रिटेल प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आया। इसके अंदर दो पॉइंट और जोड़ दिए हैं, प्रोसेस जोड़ दिए है, फिजिकल एविडेंस जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब प्रोसेस, अब प्रोसेस क्या, सॉरी प्रोसेस क्या है, प्रोसेस का मतलब कि उसकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, वो कहां से सेल हो रहा है, कौन सी चीजें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आइटम क्या है, मार्केटिंग कैसे हो रही है, डिजाइन कैसे हुआ है, वो सारी की सारी चीजें प्रोसेस के अंदर आ जाती है। ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, 7-8 पॉइंट है, याद कर लेना, एग्जाम का सीजन है। ज्यादा मैं इसको डिटेल में भी नहीं ले जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी सारे टीचर्स ये डिटेल में ही पढ़ाते हैं आपको, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन फिजिकल एविडेंस ये सारे के सारे, प्रोडक्ट मिक्स मार्केटिंग मिक्स इसके अंदर मिल जाते हैं। तो अपन को केवल इतना याद रखना है अपने कोर्स के लिए कि ये सारी की सारी सेल्स रिसोर्स है। सेल्स ध्यान, सेल्स को अगर अपन को टारगेट करना है तो प्रोडक्ट प्रमोशन प्राइस प्लेस पीपल प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस यानी ऑनलाइन एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका फीडबैक कैसा रहा, वो सारी चीजें अपन इसके अंदर टारगेट करते हैं। नेक्स्ट, अब ये देखिए ये वाली एड की मैं बात कर रहा था, एडवर्टीजमेंट एनालिसिस मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द एडवर्टीजमेंट का मतलब कि हम ये मेजर करेंगे कि जो हमने ये एडवर्टीजमेंट बनाया था उतनी सेल्स कितने पीपल को हुई। ये पहुंचा तो 200,000 लोगों तक, लेकिन 2000 लोग खरीदने पहुंचे कि केवल 5 लोग खरीदने पहुंचे कि कितने लोगों ने एक्चुअल में बाय करा, दैट इज मीन एज एडवर्टीजमेंट एनालिसिस। अब ये वाला जो एड है, हाउ फार विल यू गो फॉर लव, अब यहां पर चॉकलेट की बात ही नहीं गई, एडवर्टीजमेंट है चॉकलेट का, लेकिन ये क्या बेच रहे हैं, इमोशन बेच रहे हैं कि लड़का है भैया वो छतरी लेके खड़ा है, नीचे लड़की जा रही है, धूप ना लगे उसको बचा रहा। लेकिन आप ये बात सोचिए कि ये एडवर्टीजमेंट है चॉकलेट का, चॉकलेट की टेस्ट की कहीं पे बात नहीं हुई, कितने उसके अंदर शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, किसी कोई चीज की बात नहीं हुई। आप अपने प्यार के लिए कहां तक पहुंच सकते हैं, तो अगर आप पहुंच सकते हैं तो इनका डेयरी मिल्क खरीदिए और गिफ्ट करिए। तो दैट इज द व्यू पॉइंट ये दिखाया गया है, ये इमोशन बेचा गया। अब इस एडवर्टीजमेंट का कितना इंपैक्ट हुआ, कितने लड़के वहां पहुंचे, कितने उन्होंने बाय करा, कितने उन्होंने सेल हुई, क्या इंक्रीमेंट आया, कितनी सेल उसकी बढ़ी, इसी का एनालिसिस करना एडवर्टीजमेंट और इफेक्टिवनेस ऑफ द एडवर्टीजमेंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेपर क्लिक। लास्ट टॉपिक है आपका फिफ्थ यूनिट का और इस कोर्स का भी कि पेपर क्लिक क्या है। पेपर क्लिक का मतलब वैसे तो बेसिकली ये एक एडवर्टीजमेंट की पॉलिसी इसके अंदर आपने कर रखी है, लेकिन ये एडवर्टीजमेंट नहीं होता, ये बेसिकली इनकम सोर्स होता है कि अगर आप किसी एडवर्टीजमेंट को क्लिक कर रहे हैं, यदि अगर आप किसी प्रोडक्ट को विजिट कर रहे हैं तो कितनी बार फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं, इसको होता है बोलते हैं केवल क्लिक, क्लिक फ्रिक्वेंसी। और पे पर क्लिक तो एक इनकम की टर्म है कि किसी भी वेबसाइट को, जैसे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो आपका यूआरएल शॉर्ट करती हैं, एक अलग फंडा है पैसिव इनकम जनरेट करने का, वो पैसिव इनकम के अंदर अगर आप उस वेबसाइट को बार 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 विजिट करते हैं तो आपको कुछ इनकम मिलती है। या कोई एडवर्टीजमेंट आपको नजर आ रहा है, उस एडवर्टीजमेंट को आपने क्लिक किया तो क्लिक करने से आपको कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा, या जिसने वो एड लगाया है, जिसकी वो वेबसाइट है, उसको कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा, दैट इज नोन एज पेपर क्लिक। पेपर क्लिक यानी कि जितने फ्रिक्वेंट उसके ऊपर बायर आते हैं, वो जैसे कि नॉर्मल कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है, अब इसमें अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, नॉर्मली कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ठीक है, ये कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है, तो ब्लॉगिंग वेबसाइट कमाते कहां से, ब्लॉगिंग वेबसाइट जितने उसके ऊपर विजिटर आ रहे हैं, उस विजिटर का तो आपको चार्ज कुछ मिलता है, विजिट हुई और विजिटर ने जो एड उसके ऊपर दिख रहा है, उस एड पे जितनी बार वो क्लिक हुआ, उस क्लिक से कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है, इसी रेवेन्यू को पे पर क्लिक कहा जाता है। इसमें इतना ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, लास्ट छोटा सा टॉपिक है, बड़ा क्वेश्चन इससे आता नहीं है, हमेशा छोटे क्वेश्चन इसमें आते हैं कि पे पर क्लिक होता क्या। पे पर क्लिक यानी कि कितने नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी हिट द
टारगेट बटन। टारगेट बटन का मतलब कि कोई आपने एडवर्टीजमेंट, टारगेट एडवर्टीजमेंट, टारगेट बटन के दो, टारगेट एडवर्टीजमेंट, दैट इज नॉर्मली मीन एज पेपर क्लिक। आई होप आई एम क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। सारे टॉपिक मैंने काफी शॉर्ट फॉर्म के अंदर क्लियर करने की कोशिश करी, एक आधे घंटे के अंदर, 30-35 मिनट के अंदर पूरा का पूरा एक यूनिट कंप्लीट करना, ये आपको पता है कितना मुश्किल है। लेकिन अपन ने सारे टॉपिक थोड़े 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 समझ लिए कि इसके अंदर कौन सा आउटपुट है। रिवीजन की क्लास थी इसलिए मैंने इसमें डिटेल ना तो थ्योरी की बात करी, ना ही उसकी कोई फ्रिक्वेंटली चार्ट्स वगैरह की बात करी, केवल ये कि ये इसका मतलब है कि एग्जाम के अंदर आएगा, तो अपन को अगर इसके बुकिश थोड़े से पॉइंट याद है तो अपन डिटेल इसकी जॉट डाउन कर सकते हैं, किसी का भी कोई रफ एंड टफ अपन को आइडिया लग जाए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।